तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था ये, सीआरओ कैन डिस्प्ले डीसी सिग्नल ओनली, एसी सिग्नल ओनली, बोथ एसी डीसी, टाइम इनवेरिएंट सिग्नल। तो देखिए सीआरओ जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो बोथ दोनों में काम करता है। ओके, तो बोथ डीसी एंड एसी, तो मेरा आंसर कौन सा हो रहा है, सी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ए बाइट इज ग्रुप ऑफ 2 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। तो ए बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर लॉस इन ए रजिस्टर इज गिवन बाय पी इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर, पी इक्वल टू वी वाई आर, पी इंटू आई स्क्वायर वाई आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो देखिए पावर लॉस जो दिया है रजिस्टर, ये बेसिकली पावर का ही फॉर्मूला दिया है। पावर का फॉर्मूला कौन सा होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है हमेशा। ओके ये तो नहीं होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, और पी इक्वल टू वी इंटू आर होता है, ये भी नहीं होगा, और पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर आर नहीं होता, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो रहा है। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, ये साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट, देखो साइक्लो कन्वर्टर, इसको साइक्लो इन्वर्टर भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन, फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल मैग्नीट्यूड एसी होता है, ये ऑप्शन सी है मेरा आंसर, फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल एसी। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, रेड रॉट इज ए प्लांट डिजीज विच इफेक्ट, देखिए रेड रॉट जो होता है एक प्लांट डिजीज होता है। ओके तो ये जीके से आया ये क्वेश्चन, बेसिकली बायोलॉजी से आया। रेड रॉट इज ए प्लांट डिजीज विच इफेक्ट वेट राइस शुगर कैन कैट कॉटन, तो इसका आंसर हो रहा है मेरा शुगर कैन। तो ऑप्शन सी, रेड रॉट एक डिजीज है जो कि शुगर कैन का होता है। हु रोट द बुक नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पब्लिश रिसेंटली, तो ये 2014 का पेपर है, तो 2014 में ये बुक पब्लिश हुआ था, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट बुक, ठीक है। तो ये कौन लिखा था, तो इसके अंदर पी बी पारक, संजय वारू, विनोद राय, नटेश्वर सिंह। तो इसका आंसर मेरा हो रहा है ऑप्शन सी, विनोद राय। नंबर 7, विद द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन आवर कंट्री नाउ, तो 2014 में क्या होता, तेलंगाना नया स्टेट बना था, न्यू स्टेट हुआ था, तो वो उसको मिला के कितना स्टेट हुआ था कंट्री में, तो नंबर 29, पहले इससे पहले 28 था, तो तेलंगाना मिला के 29 हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 8 जो है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जनरली कॉन्टेंस प्रोटोन न्यूट्रॉन, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एटम ओनली प्रोटोन न्यूट्रॉन आया था उसमें, ओके तो मेरा आंसर ए हो रहा है, और आउटसाइड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो कि घूमता है, जो बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रहता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में रहता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन, तो 8 नंबर का आंसर हो रहा है ए। नेक्स्ट ऑयल स्पेटर इज एन फ्लक्स इलेक्ट्रोड वेल्डिंग डिफेक्ट नन ऑफ दी, देखिए ऑयल स्पेटर जो होता है जब वेल्डिंग करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, जो मटेरियल होता है, दो मटेरियल होता है वो बाहर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ जाते हैं, ओके तो उसको बोलते हैं वेल्डिंग स्पेटर। ओके तो ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, तो मेरा इसीलिए आंसर हो रहा है वेल्डिंग डिफेक्ट आंसर सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री, दैट इज लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक मैथमेटिक्स है, तो इसको मैं बाद में करके दे दूंगा इसका फॉर्मूला, तो अभी इसका आंसर जानकर रखिए, आंसर ए हो रहा है इसका, 9.2 मीटर आंसर। ओके ये हो रहा है। नंबर 11 जो है मैकेनिकल से है, चूज द ऑप्शन व्हिच करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, ई सी एंड के का जो रिलेशनशिप है वो मंगा है, ठीक है। ए इक्वल टू दाई ए इक्वल टू के सी बाई के प्लस सी, ई इक्वल टू 2 × KC/2K + C, ई इक्वल टू 9 KC 3K + C, ई इक्वल टू 3 KC / K + 2C।
तो ये एक बड़ा डेरिवेशन है, इसका बड़ा डेरिवेशन है, तो इसमें ओनली डेरिवेशन का जो आंसर एग्जैक्टली रिलेशन है वो बताना है हमको। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है इसका आंसर, ई इक्वल टू 9 इंटू के सी डिवाइडेड बाई 3sk प्लस सी। ओके, तो 11 का आंसर हो रहा है सी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन राम एंड मोहन वर्क टुगेदर दे कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, इफ राम अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज देन इट इन हाउ मेनी डेज मोहन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। ओके, तो ये भी एक मैथमेटिक्स है। ओके, तो इसका आंसर अभी जान के रखिए, 6 डेज हो रहा है, तो मैं ये बाद में करके बता दूंगा, बाद में जब सारा मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब बाद में मैं ओनली न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो डालूंगा, उसमें सारे सॉल्यूशन रहेगा। ओके, नंबर 13 में देखिए, इफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 6 डिवाइडेड 5 है, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स की जगह 6 लिख दीजिए और वाई की जगह 5 लिख दीजिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक्स की जगह 6 लिखेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 36 प्लस 25। ओके, यहाँ पर देखिए 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 तो 11 हो रहा है, तो 61 बाई 11 तो मेरा आंसर कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है। देखिए 13 का आंसर बी हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस लास्ट में 45। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मैथ है, तो इसको एक फार्मूला करना पड़ेगा। अभी आंसर जान के रख लीजिए कि नंबर सी हो रहा है 14 का, 1035 हो रहा है इसका आंसर, तो बाद में मैं करके दे दूंगा। ओके, नंबर 15, हु इज द विनर ऑफ मेन सिंगल्स टाइटल इन टेनिस यूएस ओपन 2014 में, जो मेन सिंगल में हुआ था टेनिस यूएस ओपन हुआ था, तो उसमें कौन विनर हुआ था। ठीक है, तो उसमें विनर हुआ था, देखिए मेरिन क्लिक, मेरिन क्लिक बोल के एक जो है नंबर 15 का नंबर सी जो हो रहा है ये विनर हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑन 1/11/2014, उस टाइम का एक करंट अफेयर्स था, कौन नया सीएम बना था तमिलनाडु का। ओके, तो उस टाइम सीएम नया बना था जो है पनीर सेल्वम, उस टाइम का सीएम बना था, तो 16 का मेरा आंसर ए हो रहा है। फॉर ए नेक्स्ट, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। ओके, तो ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसका वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है हमेशा, और फॉर ए नॉन इलास्टिक आकर बता दिया, फॉर ए नॉन इलास्टिक बॉडी तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर कौन सा है, 1 हो रहा है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है COR, एक इसका फॉर्मूला होता है, दो ये दो जो एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी और किसका वेलोसिटी है, ये जो इलास्टिक बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल जो फोर्स में है, मतलब मॉलिक्यूल जो घूम रहा है उसका जो रेशियो है फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, तो उसका रेशियो 1, इसका आंसर 1 हो रहा है। 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, हमेशा प्रेजेंटेशन देते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है ये बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये होता है, तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के लिए मेरा आंसर कौन सा हो रहा है, एमएस पावर पॉइंट हो रहा है। बॉयल्स लॉ स्टेट दैट, बॉयल्स लॉ जो तीन लॉ था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गाउस लॉ, तो पावर वॉल्यूम का जो तीन लॉ था, तो यहाँ पे दिया बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोला है, एक प्रेशर ऑफ गैस वेराइज डिपेंडर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और लास्ट में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, तो बॉयल्स लॉ ये बोला था कि पावर के सॉरी प्रेशर के साथ वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो होता है पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, तो पी वेरेजेस 1 बाई वी, पी वी कट कॉन्स्टेंट, तो मेरा ए आ रहा है आंसर।
तो 19 का आंसर मेरा कौन सा हो रहा है, नंबर बी हो रहा है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 20 दिया है, देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 40, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर। ओके, तो इसमें दो पकड़ लीजिए आसान से, x प्लस वाई इक्वल टू 40, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाए x इक्वल टू 11 आ जाएगा और y इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, x इक्वल टू 22 आ जाएगा और y इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये 11:9। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट फिर निकालेंगे, 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपका अगर सेकंड पार्ट भी देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।